मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो फिर आज के वीडियो का टॉपिक है 10 टिप्स फॉर हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट। तो चलिए कोई भी डिले न करते हुए जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यू मस्ट नो दैट व्हाई यू हैव टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। मीन्स आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। माई सेकेंड पॉइंट इज टू चेक योर हैंड राइटिंग लेवल। यू कैन राइट वन पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक एंड गिव इट टू समवन एल्स फॉर रीडिंग। मीन्स अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग लेवल चेक करनी है, टेस्ट करनी है, तो फिर आप अपने बुक्स में से या फिर न्यूज़पेपर में से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और वो लिखा हुआ पैराग्राफ आप अपने घर में से किसी भी व्यक्ति को पढ़ने के लिए दे सकते हैं और वो ही आपको बताएंगे कि आपकी हैंडराइटिंग लेवल कैसी है। माय थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेच योर हैंड्स एंड रिस्ट। तो थर्ड पॉइंट का मीनिंग तो आपको पता चल ही गया होगा। जैसे कि हम एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं, उसी तरह हमें दिन में से एक बार अपने हैंड्स और रिस्ट को स्ट्रेच करना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथों के मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे और हम इजीली लिख पाएंगे। माय फोर्थ पॉइंट इज लर्न हाउ टू होल्ड योर पेन और पेंसिल प्रॉपरली। गुड हैंडराइटिंग के लिए आपने अपना पेन और पेंसिल अच्छी तरह से होल्ड करना भी जरूरी है। माई फिफ्थ पॉइंट इज करेक्ट योर बॉडी पोस्चर। आपका बॉडी पोस्चर जितना कम्फर्टेबल होगा उतनी ही जल्दी आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ स्ट्रेट और मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ, तो मेरा राइट हैंड यहाँ पर पेज होल्ड पर है और मैं इस तरह से लिखती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही कम्फर्टेबली लिखना है ताकि आपकी हैंड राइटिंग जल्दी इम्प्रूव हो जाए। My sixth point is keep your book on flat surface. आपको अपनी बुक फ्लैट सरफेस पर रखनी है। My seventh point is if you don't have flat surface then use pillow or pad to give support. अगर आपके पास फ्लैट सरफेस नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं पिलो, पैड या फिर दोनों आपकी बुक को सपोर्ट देने के लिए। माय एट्थ पॉइंट इज रिमूव ऑल अननेसेसरी थॉट्स फ्रॉम योर माइंड एंड फोकस ऑन योर हैंडराइटिंग। आपके माइंड में जो कुछ अननेसेसरी थॉट्स होते हैं, जैसे कि आज खाने में क्या बनेगा, आज हम कितने देर खेलेंगे, ये सारे थॉट्स साइड में करके आप बस अपनी हैंडराइटिंग पर फोकस कीजिए। माय नाइन्थ पॉइंट इज फॉर इम्प्रूवमेंट यूज जेल पेन। आफ्टर योर हैंडराइटिंग इम्प्रूव्स यू कैन यूज जेल और बॉल एनी पेन, नो इश्यूज फॉर दैट। आपके हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए आप जेल पेन यूज कीजिए, क्योंकि इससे आपकी हैंडराइटिंग जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके हैंडराइटिंग इम्प्रूव होने के बाद आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माय टेंथ पॉइंट इज सेट योर माइंड एंड गिव 15 मिनट्स डेली टू योर हैंडराइटिंग। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट टेंथ पॉइंट ये है कि मुझे हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी ही है, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी ही है, ऐसा अपना माइंड सेट कीजिए और अपनी हैंडराइटिंग को डेली 15 मिनट्स दीजिए। बट ऑलरेडी हमें होमवर्क इतना ज़्यादा होता है कि हम अपने हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से 15 मिनट्स नहीं निकाल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने होमवर्क को ही हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट समझकर अच्छे से करना शुरू करें। तो ये थे हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए 10 टिप्स
और अगर आप इन टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो विद इन 15 डेज आप अपने हैंडराइटिंग में फ़र्क या फिर चेंजेस नोटिस कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये टिप्स काफ़ी फ़ायदेमंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।